डूबी चूल। क्या हो गया चैंग? कहाँ चले गए थे तुम? बस ऐसे ही बाहर आया था, क्यों? तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुम चले गए। ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। ऐसा लगा तुम हमेशा के लिए चले गए। मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है चैंग सॉन्ग, मैं नहीं जा रहा हूं, ना एक महीने बाद, ना 10 साल के बाद। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ नहीं होगा। सच कह रही हूं ना, कुछ नहीं होगा ना? क्या हुआ तुम्हें? चलो चैंग। कहाँ? ऐसी जगह जहां तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ना हो, बस तुम और मैं, ना ही कोई हमें देखे और ना ही सुने, कोई ना हो हमारे दरमियान। डोमी जॉन, जो मैं लियो से कह रही थी वो तुमने सुन लिया था? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि हमें इन लोगों से मुलाकात करनी है। अगर मैं आपको बता देता तो आप कभी इनसे मिलने नहीं आते। बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। पूरे 7 साल बाद कैद करके रखा हुआ था तुमने मुझे, तुम कैसे भूल सकते हो? ये क्या कह रही हो? इन्हें एक हॉस्पिटल में कैद किया हुआ था और गलत मेडिसिन भी दी जा रही थी, हमने तहकीक भी की है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। और आपको यहां इसीलिए बुलाया है कि आपसे पूछगिछ की जाए कि आपने अपनी बीवी को जबरन कैद क्यों किया? मैंने किया? मैंने क्या किया? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ एक तरफ की बात सुन रहे हैं? वो भी उसकी जो गुज़श्ता 7 साल से दिमागी मर्ज में मुब्तला है। मैं पागल नहीं हूं, तुमने मुझे पागल बना दिया। मुझे तो लगा था कि तुम पढ़ने के लिए यहां से बाहर चली गई। तुम भूल रही हो कि बाहर जाना जिद थी तुम्हारी। तुम्हें भी यह सुनकर अजीब लग रहा है ना? यह एक गलत फहमी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाई सच बोलो प्लीज। क्या सच कहूंगा? आई एम सॉरी, मगर मेरी एक मीटिंग है, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो मेरे लॉयर से बात कीजिएगा आप। प्रॉब्लम क्या है आखिर? हैरान हो गए ना ये सब कुछ देखकर। क्या? अपनी बीवी को और हेनयूरा, उसका क्या? और हमारा बड़ा भाई लियो, तुम पागल हो गए हो? आखिर क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे इन लोगों के बारे में? आखिरी मौका दे रहा हूं, बहुत झूठ बोल लिया आपने, सच बता दे। मतलब? आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी इज्जत करता हूं मैं, इसीलिए मौका दे रहा हूं। बाद में यह मत कहिएगा कि मैंने आपको सफाई का मौका नहीं दिया। अगर रिश्तों में एहसास ही ना हो तो वो बेमानी है। इसलिए मैं आज के बाद
आपको भाई नहीं कहूंगा, मेरे भाई नहीं आप, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, कुछ नहीं हो आप मेरे। क्या हम दोनों एक ही रूम में रुकेंगे? ये किसने कहा तुमसे? बराबर में दूसरा रूम भी है। तुम खुद कह रहे थे वो रूम बहुत ठंडा है, मुझे इतनी सर्दी में नींद नहीं आती। ठीक है, तो उस कमरे में मैं जाता हूँ। तो फिर तुम कैसे सोओगे इतनी सर्दी में? कोई और ऑप्शन नहीं हमारे पास? एडजस्ट कर लेंगे हम दोनों, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और एक बात बताना मैं भूल गई, मैं कराटे में चैंपियन हूँ। और हाँ एक और बात, हम यहाँ घूमने आए हैं, कहीं बीमार मत हो जाना तुम, ऐसा ना हो तुम्हारी नर्स बन के रहना पड़े। कुछ भी बोलती है ये, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मुझे। तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है तुम्हें। हाँ मगर मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे, इसलिए कम दिमाग चलाओ और सो जाओ। अच्छा, इसका मतलब है आराम से सो सकते हैं हम? मुंह ऐसे क्यों बना है? क्या हुआ है? तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? लाल हो रहे हैं? और आंखें भी हो रही हैं। हाँ वो इसलिए कि गर्मी। गर्मी लग रही है? तबीयत डाउन है मतलब, शायद इसी वजह से तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही हैं। खैर मैं तो थक गई हूँ, सो रही हूँ मैं। हाँ तुम भी आ जाओ, आराम करो। ठीक है। ये कोई ख्वाब नहीं, सच है। मुझे लगता है हमने पहले भी ऐसा वक्त गुजारा है। मुझे याद नहीं। नहीं नहीं ऐसा हुआ है, तुमने गले भी लगाया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है कि तुम क्रूज पर आए थे। खैर नींद आ रही है मुझे, प्लीज लाइट बंद कर दो। तुम तो लेटे लेटे यहीं से बंद कर लोगे। थका हुआ हूं मैं। ये क्या, अपनी पावर से इतना सा काम नहीं कर सके तुम? बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं है तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम हर वक्त इतनी अजीब बातें क्यों करती हो? लड़की हो, इस बात का तो लिहाज कर लो। दोबारा से करो। क्या? जो तुमने अभी किया। क्या किया मैंने? मैंने तो कहा था कि तुम बहुत अजीब बातें करती हो। आज तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ना, क्या कह रहे थे? ओहो ओहो। एक दफा फिर करो। अच्छा तो तुम मेरी नकलें उतार रही हो, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? लड़का होके मैं डर रहा हूँ तुमसे। ये कहाँ चला गया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। जब मैं आया था तो ये सोचता था कि वक्त कैसे गुजरेगा। अब वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास और मैं चाहता हूं कि रुक जाए ये। आज मुझे समझ आ रहा है कि वक्त की कीमत क्या होती है। अब जो थोड़ा सा वक्त है वो तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, हर एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना है।
तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। उड़ाकर बुलाओ पास। क्या? जैसे उस दिन शूट पर बुलाया था अपने पास, बिल्कुल वैसे ही। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो उठो। उस दिन तो उड़ाकर बुला लिया था अपने पास, आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं कर रहे? थोड़ी सुपर पावर मुझ पर भी खर्च कर लो प्लीज, एक बार फिर से कर दो। हाँ, नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। हाँ तो फिर करो। हाँ क्या हो गया डोमी जॉन? तुम्हारा वजन कितना है? अब नई बात ले आए हो, मेरा वजन पूछ रहे हो, इससे क्या मतलब? वेरी गुड, बस इतना ही? खत्म हो गई तुम्हारी सुपर पावर? तुम्हारा मुंह उतर गया, लग रहा पावर काम नहीं कर रही। रात भर नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए हो रहा है। खुद ही उठना पड़ेगा। लगता है बोलकर गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां जाकर बैठो, मैं नाश्ता ला रहा हूं। मेरी मदद नहीं चाहिए तुम्हें? बना लिया है सारा। नहीं अभी नहीं हुआ, तुम्हारी पावर्स क्यों नहीं काम कर रही? असल में थका हुआ हूँ मैं। तुम्हारी पावर्स जरा सी देर के लिए आई और चली गई, कोई पावर टॉनिक तो नहीं आता तुम्हारा? बताओ लेकर आते हैं या फिर जड़ी बूटियां खाते हो तुम? तुम्हें बताया ना, रात भर सोया नहीं हूँ इसलिए हो रहा है ऐसा। कल रात बहुत थक गया था मैं। कल तुमने कौन सा ऐसा पहाड़ उठा लिया जो अभी तक थके हुए हो? कल तो लाइट भी बंद नहीं हुई तुमसे। अगर आगे तुम्हारी सुपर पावर की जरूरत पड़ी मुझे तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम ऐसा कहकर मुझे डिस्करेज कर रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें डिस्करेज करना मेरा मकसद नहीं था। असल में तुम नर्वस हो रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी सुपर पावर काम नहीं कर रही। तुम कर लोगे डोमी जॉन, हौसला मत हारना। चेयर अप। अच्छा चलो पीछे हट। चेंग छोड़ो, क्या हुआ? नहीं ना, नहीं। क्या बचपना है, मुझे ऐसे ही खड़ा होना है तुम्हारे साथ। हाँ अच्छा बता, तबीयत तो ठीक है ना? चुप। क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो? मजाक कर रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो चेंग सॉन्ग, कहाँ थी तुम कल रात से और इस वक्त घर आ रही हो? वो मॉम शूट पर थी। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कल रात ही तुम्हारा शेड्यूल चेक कर लिया था, तुम्हारी कोई शूटिंग नहीं थी कल। तुम मुझे बताओ डोमी जॉन, तुम तो इसके मैनेजर हो, तुम्हें तो सारे शेड्यूल्स मालूम है इसके। तुम दोनों कहाँ थे मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों कहीं घूमने के लिए गए हुए थे? हाँ जी, वो असल में मामा मुझसे बात करें, मैंने इससे कहा था जाने के लिए। मैंने तुमसे जो सवाल किया है उसका जवाब दो, तुम लोग कल रात से कहाँ थे और तुमने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? रहा सवाल इसका तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि ये कहाँ रहे, हार्वर्ड में रहे या चाहे अमेरिका में, मुझे बस इस बात की फिक्र रहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोल रहे हो, किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? चेंगसोंग एक बात बताओ, क्या डोमी जॉन ने तुमसे कहा था? क्या वो बाहर घूमने चलते हैं, क्या तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले गया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने ही इससे कहा था कि बाहर चलते हैं। क्या कह रही है, सुना आपने? तो फिर मुझे इस बात का जवाब दो मैनेजर, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? क्या बात कर रही हैं आप? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लगता है तुमने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। क्या तुम शादी करना चाहते हो?
और आप अपने बेटे का ध्यान रखा करें। मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटी को इस तरह बाहर लेकर जाना ठीक नहीं। मैंने अपने बेटे को कोई गलत तरबियत नहीं दी है। आपको मालूम है मेरा बेटा आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ घूमने नहीं गया, समझी? ये तो आपकी बेटी है जो मेरे मासूम से बच्चे के साथ फ्लर्ट कर रही है। मैंने इस गधे को कितना समझाया लेकिन ये सुनता ही नहीं है। हाँ तो मेरी बेटी भी हर किसी को मुंह नहीं लगाती। क्या है, तुम इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? हाँ मुझे लगता है ऐसा कुछ है। देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तो गलती सिर्फ इसकी नहीं, मेरी भी है। इसने मुझे जाने के लिए कहा तो मैंने भी हामी भर दी। मैं शर्मिंदा हूं इसके लिए, माफ कर दीजिए मुझे। आपके बेटे की एज क्या है? हाँ? तो तुम नहीं जा रहे, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? जी। कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा मेरे। तुम्हें मालूम है ना ये बात, अगर तुम यहां से वापस नहीं गए तो तुम मर भी सकते हो। अब ऐसा सोचना कि मौत तो एक दिन आनी है तो ये बेवकूफी है। ये फैसला कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग्स तो नहीं आ रही? हाँ थोड़ी सी। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। नहीं होगा, बहुत दूर है। ये भी नहीं हो रहा। डोमी जॉन कहाँ हो? जानती हूँ तुम सुन रहे हो मुझे। और क्या हो रहा है? थोड़े टाइम के लिए मिले हम लोग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चलो अब तुम टेलीपोर्ट करके मेरे कमरे में आ जाओ। आओ आओ डोमी जॉन, आ जाओ। तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तंग क्यों कर रहे हो मुझे? जवाब दो ना। चलो बहुत हो गया, अब आ भी जाओ ना। देखो मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। मुझे इतना अच्छा लगता है तो मेरी बात सुनते हो। आ जाओ। आ रहे हो, तंग क्यों कर रहे हो? जवाब तो दो। तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे, आ रहा हूं मैं। वाकई? जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, आई क्यों नहीं अभी तक?
थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो? अच्छा ठीक है। हाँ बोलो। क्या हुआ और कितनी देर लगेगी तुम्हें? हाँ लगता है मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब जो तुम्हारी टेलीपोर्ट होने की पावर भी खत्म हो गई है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी काम में फंस गया हूँ। ओके बाय। जवान बच्चे को मार क्यों रहे? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अपने भाई पर ही इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप जानते हैं भाई ने अपनी बीवी को 7 साल से कैद किया हुआ था। अपनी बीवी को? कौन सी बीवी? वो लड़की जो तुम्हारे भाई को धोखा देकर चली गई, उस लड़की को मैंने सहारा दिया, इस घर में रखा, अपने बेटे से उसकी शादी करवाई, उसको इज्जत दी, अपने बेटे का नाम दिया, और उसके साथ अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं, उसकी अपनी दिमागी हालत है। जाके उसको पकड़ो जिसने ये किया। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, वो जो कोई भी होगा मैं उससे लड़ूंगा। बस मैं इतना जानता हूं कि उसने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं, और जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, बस इतना जानता हूं। नकारा, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आज से मैं समझूंगा मेरा एक ही बेटा है, तुम्हारा अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं। तुमसे आज तक मुझे कोई खुशी नहीं मिली। जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कीजिए ऐसा। बताइए ऑफिसर, किस चार्ज पर आपने इन्हें यहां बुलाया? इनके पर 2 केस के चार्ज हैं, यूरा और इनकी वाइफ का, उन्हें कैद किया हुआ था इन्होंने। इनके खिलाफ कोई गवाह है आपके पास? आपको गवाह चाहिए? आप जानते हैं इस आदमी ने एक लड़की को 7 साल से एक पागलखाने में रखा हुआ है, उस लड़की ने खुद इसके खिलाफ गवाही दी है। ये मेरे पास इनकी वाइफ यंग मिनजो की रिपोर्ट है, 2008 से 2010 की। ये इस बात का सबूत है कि वो मेंटल पेशेंट है। उस वक्त तो आपकी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था ना, उनकी ये हालत कैसे हुई? ये बात मैटर नहीं करती कि वो बीमार कैसे हुई, आप इस बात पर फोकस करें कि वो मेंटली ठीक नहीं है। आपकी ये रिपोर्ट 10 साल पुरानी है, ये हमारी रिपोर्ट है, और ये हमने नहीं डॉक्टर ने दी है, आप खुद ही सुन लीजिए। स्ट्रेस की वजह से कुछ एंजाइटी हो जाती है, और ये नॉर्मल बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, इसलिए उसकी दिमागी और जिस्मानी हालत बिल्कुल आम लोगों जैसी है, इसलिए उसकी गवाही मानी जा सकती है। ये देखिए वकील साहब, तुम भी देखो, नजर आ रहा है? उन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी है, अब आप ही बताइए सच क्या है? क्या आपने हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर उन्हें इतने सालों से कैद नहीं किया हुआ था? यह सच है ना? नहीं, अगर उसे कैद करके हॉस्पिटल में रखा गया था तो यह उसका और हॉस्पिटल का मामला है, मेरा नहीं। हमने भी इन्वेस्टिगेशन की है, तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारी बीवी ने हॉस्पिटल से बहुत बार कॉल की है, ये रहा उसका रिकॉर्ड। अब बताओ किसने कॉल की होगी तुम्हें यहां से? हाँ, ऐसी कई रॉन्ग कॉल्स दिन में रिसीव करता हूं मैं कई बार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनमें से कोई कॉल मेरी साबका बीवी की नहीं होगी, जो आपके मुताबिक हॉस्पिटल में थी, उसकी कॉल है कोई? ठीक है, समझ गया मैं, हॉस्पिटल वालों को भी तुमने अपने साथ मिलाया। एक मिनट ऑफिसर, सर आराम से बात कीजिए। मेरे क्लाइंट इस शहर के बड़े बिजनेसमैन और महजब आदमी हैं, जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता आप इन्हें यहाँ नहीं रख सकते। सबूत तो बहुत जल्द ही मिल जाएगा, मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई मिस्टर रूपा, सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल कीजिए, जो दिल चाहे वो कीजिए। एक बात पूछ सकता हूँ?
मेरी साहब का बीवी को कहां रखा हुआ, कहां छुपाया हुआ है उसे? वो बहुत महफूज जगह पर है। तुम्हें कंजान औरत को अपने घर में इस तरह से क्यों लेकर आ गई हो सिमी? हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? मॉम, वो कोई अनजान नहीं है, ऊपा की वाइफ है। आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? वो तो मेंटल हॉस्पिटल में नहीं थी। लियो के भाई का जो केस था वो उसकी विटनेस है और उसने कन्फेस भी किया है। तुम्हारा मतलब लियो का वो भाई जो मर चुका है? लियो, कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। चैंग के लिए ये बुके लेने गया था, ग्रेजुएशन डे है उसका। तुम्हारा भी तो है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ चैंग सॉन्ग इम्पोर्टेंट है। ये लो, तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट। क्या है ये? बॉल पेन? ये सिर्फ पेन नहीं है लियो, इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। दिखाओ जरा। कॉन्ग्रेट्स माय स्वीट लिटिल ब्रदर। कॉन्ग्रेट्स माय स्वीट लिटिल ब्रदर। वाओ, मैं तो इसे ऐसे ही इस्तेमाल करता था। वो बातें जो आप याद नहीं रख सकते उन्हें इसमें कैद करके रख सकते हैं। और अब तुम ग्रेजुएट भी हो चुके हो। ओहो, बच्चा बड़ा हो गया है। आप कल आ रहे हैं ना सेरेमनी में? ऑफ कोर्स ब्रो। कहाँ हो तुम? क्यों? मैं सोच रहा था कि नाश्ता साथ में करें। ओ अच्छा, मगर मैं सुबह ही अर्जेंट काम के लिए बाहर निकली हूँ। तुम जा रही थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। किसके साथ हो तुम? अपनी एक दोस्त के साथ आई हूँ। दोस्त के साथ? लियो के साथ हो ना? नहीं बाबा, कोई और है। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जब तुम्हें घर आना हो तो कॉल ही काट दे। पता नहीं कहां गई है। कैसी लग रही हूं? शूट पर कई बार ये ड्रेस पहना है लेकिन आज फीलिंग ही अलग है।
लग तो अच्छी रही हो, लेकिन जिसके लिए तैयार हो रही हो उसका क्या? इतनी आसानी से वो दोबारा मान कैसे गया? और तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है चैंग? हाँ, मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। वो किस लिए? क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है और मैं भी वक्त जाया नहीं करना चाहती। कहाँ जाना है ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो आखिर। ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना जाए। हाँ, और उसको रोकने के लिए तुम गिड़गिड़ाओगी, आंसू बहाओगी उसके आगे। ऐसा क्या है उस शख्स में जो उसके लिए तुम इतना बेचैन हो? तुमने उसे यही कहा होगा ना कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती और अगर तुम जाओगे तो मैं रो रो के बुरा हाल कर लूंगी। तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो अब क्यों नहीं रह सकते? नहीं जाओ ना, मेरे साथ रह जाओ ना। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने यही कहा होगा। चलो मैं उम्मीद करती हूँ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। वो तुम्हारी बात मान जाए और तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाए। आखिर वो स्पेशल है बहुत जिसके लिए तुम इतना तैयार हुई हो। वैसे एक बात बताओ मुझे चैंग, क्या उसने एक बार भी तुमसे ये कहा कि वो तुमसे शादी करेगा? तुम पहले ही तैयार हो गई ये सोचे समझे बगैर कि वो राजी है या नहीं। हाय, अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। तुम बहुत ही बुरे इंसान लगते थे मुझे, पर अब ऐसा नहीं है। तुम अच्छे हो बहुत। ओके, थैंक यू। मॉम अभी भी थोड़ी सी डाउटफुल है, मगर मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। वैसे मैं यहां रह रहकर बहुत बोर हो गया हूं, वापस अपने घर जाना चाहता हूं, तो उसके लिए कोई हल तो ढूंढना होगा ना। मॉम तुमसे कुछ मांगेंगी। उनको क्या मांगना है? तुम्हारा और चैंग का रिश्ता। हाँ, देखो तुम्हारे से अच्छा लड़का तो अगर चिराग लेके भी ढूंढेंगी तो नहीं मिलेगा, और क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो, इंटेलिजेंट हो, तो मॉम के काबू में रहोगे। हाँ, समझ रहा हूं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मगर तुम्हें मुझसे भी एक वादा करना होगा कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, उसे कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। हम बहुत छोटे थे जब पापा हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि मॉम को और ज्यादा पैसे चाहिए थे। वो हमारे साथ रहकर भी कभी हमारे साथ नहीं रही। चैंग की जो हालत है वो आज उन्हीं की वजह से है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए तुम उसका ख्याल रखना, उसे रोने मत देना कभी। वैसे मेरी एडवाइस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, जो कहोगे करूँगा। क्या हुआ, चुप क्यों? अब समझ आया कि चैंग इतना क्यों बोलती है। ये पूरी फैमिली ही, सबको ही इलाज की जरूरत है। तुम्हारे पास टाइम है क्या? मेरे साथ मेरे पापा से मिलने चलोगे तुम? हेलो, बात सुनो। मैं जी गई है। यहां नए आए हो क्या? जी नया नहीं आया, काफी अरसे से काम कर रहा हूं यहां। गाड़ी पार्क कर दो मेरी। देखें, गाड़ी पार्क करना मेरा काम नहीं है, और वैसे भी मैं तो सफाई कर रहा हूँ यहाँ की। अगर तुम सफाई कर रहे हो तो मेरी क्या प्रॉब्लम है? तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो करो जाकर। क्या हुआ, यहाँ काम करना है या नौकरी से हाथ धोना चाहते हो? इसको तो मैं कैसे हुआ? ये गाड़ी खुद ब खुद कैसे पार्क हो गई, तुमने देखा? ये हो क्या रहा है? तुम कौन हो? अगर आपको गाड़ी पार्क करना नहीं आती तो चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस या टैक्सी में सफर करें, दूसरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो?
थोड़ी देर और खड़े रहे तो और भी कुछ हो सकता है। पकड़िए ये चाबी। मैंने सुना है कि तुम चैंग का बहुत ख्याल रखते हो। जी। मैं तो उसका बाप कहलाने के लायक भी नहीं हूं। बहुत छोटे थे ये लोग जब मैंने छोड़ के चला गया था। वैसे तुम प्रोफेसर भी हो ना? जी। बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे की है। पैसे की वजह से ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन आज ऐसा लगता है शायद मैं गलत था। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह सोचता तो शायद मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार पाता और अपने बच्चों के सामने आज खुद को इतना शर्मिंदा और बेबस महसूस न करता। मैं बहुत ही बेवकूफ था। जो वक्त मुझे अपनी औलाद को देना चाहिए था वो वक्त मैं अदा नहीं कर सका। मैं चाहकर भी उस वक्त को वापस नहीं ला सकता जो गुजर गया है। मैं अपने बच्चों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया वो तुम जरूर करोगे। मैं एक नाकाम बाप हूं शायद। I'm sorry बेटा, कुछ ज्यादा ही कह दिया। आराम से डोमी जॉन। देखो संभालो खुद को, कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। टेलीफोन बूथ। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? घर जाना है हमें। टेलीफोन बूथ में क्या करोगे? आ जा, तुम अंदर चलो। हे, सुनो मेरी बात। हम लोग घर कैसे पहुंच गए? पानी। बताया ही नहीं। अभी आ। इसको क्या हो गया? मैं सारा दिन से इसको कॉल कर रही हूँ और ये यहाँ पर है। क्या हो गया इसे? क्या किया तुमने इसके साथ? कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं खिला दी तुमने? कुछ पिया तो नहीं इसने? हाँ, फिर से वही। ये भी ना। क्या कर रही हो? ऐसे लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं करते। क्या? अभी समझाने का वक्त नहीं, बाद में बात करते हैं। डोमी जॉन लो। देखो योग, मैं यहां। तुम्हारा सीक्रेट सेफ है, ओके? हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए एक फेवर करोगे तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं ऐसा नहीं हूं।
कैसा है, अच्छा लगा? आइंदा कभी भी सूप मत बनाना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी यूटिलिटी बिल्स कितने आते हैं? क्यों? अभी तो सर्दी चल रही है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज्यादा आ गया है। असल में मेरा मंथली बजट आउट हो गया है उसकी वजह से। मुझे लग रहा था कम आएगा। वैसे तो मेरे बैंक में पैसे हैं, मगर क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज्यादा आ गया है, तो वो मैं ये चाह रही थी कि पैसे कैश चाहिए या चेक? अरे क्या हो गया, मैंने कब कहा है कुछ? मैं ये कह रही थी कि अब तो हम दोनों साथ ही रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग इन यूटिलिटी बिल्स को क्यों डबल डबल भरे? इसलिए हम ये घुमा फिराकर क्यों कह रही हो? सीधी सीधी बात करो ना। कुछ भी नहीं, छोड़ो, रहने दो। क्या आज रात हम कहीं बाहर चलें? हाँ, कहाँ? नमसन टावर। तुम वहां जाना चाहती हो ना? वहां जाएंगे? चलो मैं तैयार होती हूँ ताकि मैं मजीद खूबसूरत दिख सकूं और तुम्हारी नजरें मुझसे हटे ना। नजरों का तो पता नहीं, कान जरूर पक जाएंगे। मेरी रूम में है, तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर रही हैं। तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इट्स ओके, मेरे भाई ने मुझे इनका ख्याल रखने को कहा, तो तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब भाई के लिए क्या है। जब से तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हुई थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उपा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। वो दूसरों के सामने ऐसे बनता है जैसे उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे भाई का वॉइस रिकॉर्डर पेन मुझे तुम लोगों के स्टडी रूम से मिला, और उसमें जो कुछ सुना मैंने वो उसमें कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी आखिर में? क्या उसमें मेरे बड़े भाई की आवाज है? देखो, ऊपा नहीं जानता उस रिकॉर्डिंग के बारे में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसी वक्त पुलिस को बयान दे देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं डर गई थी। तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ था। मुझे बता सकती हैं आप कहाँ है वो पेन? उसके साथ जरूर जाऊंगा, और सेरेमनी खत्म होने के बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, साथ डिनर करेंगे। भाई आपके लिए जूस, उपा भाई ने भेजा है। अच्छा, थैंक यू। मॉम डैड और मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? अच्छा, मैं तो उपा के साथ जा रहा हूँ, कोई काम है उसे। मालूम नहीं, चक्कर आ रहे हैं और सांस भी रुक रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें लग रहा है,
मैं बताता हूं तुम्हें क्या हो रहा है। क्या? तुम्हारे हाथ और पैर काम करना छोड़ रहे, कुछ देर में हिल भी नहीं पाओगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जबान साथ छोड़ जाएगी और आखिरकार गहरी नींद सो जाओगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो उपा? कुछ देर बाद बीच सड़क पर पड़े मिलोगे और मौत की वजह कार एक्सीडेंट होगी। ये क्या कह रहे हो? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम एक लंबी उम्र जीते, अगर तुम मेरे रास्ते में आ गए, तुम जिंदा रहते तो इस फैमिली की हर चीज पर अख्तियार तुम्हारा होता, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। अच्छा सुनो, ट्रंक खोलोगी जरा? क्या ट्रंक खोलू? खोलती हूं। मॉप रखा है उसके अंदर, वो निकाल कर देना जरा। ये काम तुम खुद नहीं कर सकते थे? अपनी सुपर पावर से निकाल लेते ना, इसको मुझे क्यों बोला तुमने? बैठो। हुआ? इधर आओ, ये देखो, ये वाला लॉक मैंने लगाया था और इसमें डबल चाबी लगती है। क्या है, बच्चों जैसी हरकतें करती हो तुम। ये चाबी पकड़ो जरा, आओ मेरे साथ। इसे इस डब्बे में डाल दो। इसमें डाल देंगे तो खुलेगा कैसे? ये लॉक अब कभी नहीं खुलेगा, हमारा रिलेशन इस लॉक के साथ यहाँ बंद गया है, कोई नहीं खोल सकेगा इसे। लाखों लोग इन तालों को इसी उम्मीद पर लगा कर जाते हैं। चलो अब वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे मेरे। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है, खुशी नहीं हो रही क्या? ऐसी बात नहीं, खुश हूं मैं। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं मैं तुम्हें, ये जो तुम्हारे गाल लाल होते हैं ना, इसका मतलब मालूम है मुझे। अब इतना भी मत शर्माओ, मेरी तरफ तो देखो। अच्छा है ये। कैसा लगा तुम्हें? मेरे लिए है। हाँ। ओह। Really? पसंद आई तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। हाँ,
लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू। आई लव यू टू। ठंडा पानी होगा? जी। खाना खा लिया तुमने? खा रहा हूं। हाँ तो जल्दी जल्दी खाओ। क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? पहले लॉक बांधा फिर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, इससे ज्यादा कुछ गलत हो सकता है क्या? चैंगसोंग। क्या? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। किसका फोन था? मुझे एक जगह फौरन पहुंचना है, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। साथ चलूं मैं? नहीं तुम घर जाओ, मगर अपने नहीं मेरे। मतलब कि तुम्हारे घर जाऊं मैं? हाँ यही कह रहा हूं, मेरे घर जाओ। तो ठीक है जल्दी आना। चैंग। हम्म। मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस देर मत करना। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ, जिसका मुझे 400 सालों से इंतजार था, वो वक्त अब आ चुका है। अब फाइनली मैं अपने घर जा सकता हूँ। 400 साल बाद मैं जिस लड़की से मिला, शुरू शुरू में वो मुझे बहुत बुरी लगती थी, अजीब सी हरकतें करती थी, मगर अब शायद मैं उसे भूल नहीं सकता। चाहे मैं यहां से जितना भी दूर चला जाऊं, मगर उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आज मैं उसे अपनी सारी हकीकत बता दूंगा, ताकि वो मुझसे दूर चली जाए, मगर मैं नाकाम रहा। मैं जानता हूं अगर मैंने खुद से इस दुनिया में रहने की कोशिश की तो नहीं रह सकता, कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ नहीं होगा। सच कह रही हो ना? कुछ नहीं होगा ना?어른들한테 인사드리러 가시는 거예요? 아니면
모취한 면접? 프로포즈. 혹시 네가 나를 볼까봐. 찬성이. 송이 씨. 송이야. 야, 이거 너 해. 이건 아니야. 트렁크 좀 열어볼래? 밥 다 먹었어? 아직. 빨리 먹고 가자. 천송이, 내가 언제까지 네 곁에 살 수 있을진 몰라. 그래서 지금 이 말 하면 안 되는 건지도 몰라. 그렇지만 최선을 다할게. 네 곁에 오래오래 있을 수 있게. 그 시간이 얼마가 될진 몰라도 최선을 다해서 너를 사랑할게.